यही तीनों बच्चे हैं जिनका एक साथ जन्म हुआ है और ये चमत्कार। देखिए दशहरा आने वाला है और दशहरा से पहले चमत्कार हो गया है। एक माँ ने तीन बच्चे को जन्म दे दी है, वो भी तीनों बेटे हैं। और आपको बता दें पूरे जिले में चर्चा है और पूरे गांव में मिठाई बांटी गई है इस बेटे होने की खुशी में। देखिए एक माँ ने, यही तीनों बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका नाम रखा गया है, और एक माँ ने तीन बच्चे को जन्म दिया है। तीनों बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, यहाँ पे माँ भी है। आ जाइए थोड़ा सा इधर से, कितना खुशी हो रहा है तीन बच्चे को जन्म दिए हैं आप? खुशी बहुत हुआ। अच्छा कितना खुशी हो रहा है, और क्या नाम है आपका? मेरा अजय गोर नाम है। अच्छा कितना खुशी हो रहा है, तीन बेटे हुए हैं। बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा क्या नाम रखे हैं उन लोगों का? अभी नाम उनका नहीं रखे गए हैं। अच्छा हाँ अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो देखिए अभी वो डॉक्टर साहब नाम रखे हैं, अच्छा अभी हम नहीं नाम रखे हैं। अच्छा दशहरा आने से पहले ही चमत्कार हो गया है। हाँ ये तो भगवान का देन है। हाँ अच्छा बहुत ज्यादा खुश हैं आप। हाँ तो खुश तो है, जब भगवान दिया है तो खुश तो रहेंगे ही। हाँ अच्छा पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ है? हाँ अभी सब बच्चे और सब कोई स्वस्थ है। अच्छा इसके पहले कितने बच्चे थे आपके? मेरा एक लड़की है। अभी एक लड़की थी, हाँ उसके बाद तीन और बच्चे हो। हाँ अच्छा देखिए अभी ये चार बच्चों के पिता बन चुके हैं और इनको इतना खुशी हो रही है, आपसे बता भी नहीं सकते हैं क्या। हाँ खुशी तो है। अच्छा सरकार की तरफ से कुछ बोला गया है फंड देने का? नहीं सरकार की ओर से तो कुछ नहीं बोला गया है। हाँ हाँ अच्छा गांव में लोग क्या बोलते हैं? गांव में अभी मैं गया नहीं हूँ, अभी ये हॉस्पिटल में अच्छा जब से। गांव के लोग जब सुने होंगे कि तीन बच्चे हुए हैं एक ही साथ, अभी तो मैं गांव गया ही नहीं हूँ, फोन भी किए होंगे, नहीं अभी फोन फोन आता है। क्या हाँ बोलते हैं लोग? सब लोग बधाई देता है, मतलब बोलता है अच्छा है भगवान दिए हैं। हाँ अच्छा। और देखिए पत्नी है और यहाँ पे इनकी माँ माता जी हैं, जो देखिए एक बच्चे को गोद में ली हुई है और दो बच्चे अभी वहाँ पे सोए हुए हैं। अभी हम कुशीनगर के उसी हॉस्पिटल में है, तमकुही राज के जिस हॉस्पिटल में एक माँ ने तीन बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ सही सुन रहे हैं। और आपको बता दें दशहरा से पहले ये चमत्कार हुआ है जिसमें एक माँ ने तीन बच्चे को जन्म दिया है। देख सकते हैं अभी दादी जो है एक बच्चे को गोद में ली है और दो बच्चे वहां पे हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और यहाँ पे माँ है और वो जो दिख रहे हैं वो इनके पिता हैं बच्चों को। आपसे बात करेंगे और आपको बता दें अभी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा दो बच्चे, लेकिन तीन बच्चे का जल्दी आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको बता दें देख सकते हैं यहाँ पे तीन बच्चे हैं, दो बच्चे यहाँ पे हैं और एक बच्चे यहाँ है। दिखाइए थोड़ा सा, देखिए यही दोनों बच्चे हैं और एक, देखिए यही तीनों बच्चे हैं जिनका एक साथ जन्म हुआ है और ये चमत्कार हुआ है कुशीनगर में। देखिए चमत्कार है, समझिए अब क्या कहें, भगवान का हाँ एक स्वरूप है बच्चे। अच्छा आप लोगों में भी डर का माहौल होगा कि तीन बच्चे को कैसे स्वस्थ निकाला जाए? हाँ डर तो था, सबको डर था कि किस तरह निकलेंगे, स्वस्थ रहेंगे या नहीं, निकलने के बाद क्या कंडीशन होगी, डर तो काफी था। अच्छा इसके पहले आपके हॉस्पिटल में तीन बच्चे जन्मे थे कि नहीं? नहीं कभी नहीं, दो तो आते रहते हैं रेगुलर, लेकिन हाँ तीन नहीं हुए थे कभी, तीन नहीं। पहली बार हुई। अच्छा पहली बार, अच्छा पहली बार आप भी प्रैक्टिस की होंगी या आपको भी बहुत ज्यादा अनुभव मिला होगा, हाँ अनुभव या तो मिला है। डर भी होगा कि कहीं कुछ होता है अनहोनी ना हो जाए? हाँ पेशेंट को भी दिक्कत, मतलब डर था कि इसको भी दिक्कत ना हो, फिर बच्चे भी चारों को बचाना थोड़ा सा रिस्की था। बाकी हमारी हॉस्पिटल की जो टीम है सभी एक साथ मेहनत किए और सब ठीक ठाक रहा पूरा, अभी बच्चे और माँ सब ठीक हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ है। बिल्कुल स्वस्थ हैं।